नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हाल ही में मेरे सामने कुछ पंक्तियाँ आई हैं जो कि अभी की सिचुएशन का बहुत ही सुंदरता से उल्लेख कर रही हैं। मैं वह पंक्तियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आँखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखे। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घरों में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है? यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने घरों में ही रहें। अगर आप अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से दूर रहते हैं तो उनसे जाके मिलने के लिए आग्रह ना करें, उनसे जाकर ना मिले, अपने दोस्तों से भी ना मिले। अगर आप एक बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने ही फ्लैट में रहें, अपने बिल्डिंग वालों के घरों में ना जाएं, अलग अलग फ्लोर्स पर ना जाएं, अपने नेबर से घर पर ना जाएं। इन 2 माह में सभी के ऊपर घर के कामों का बोझ बहुत आ गया है, पर अपने घरों में हाउस हेल्पर्स को बुलाने के लिए आग्रह ना करें। अगर आप यह सोचते हैं कि हम भी घर में हैं, वो भी तो घर में ही हैं, तो मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव निकले हैं वह भी तो अपने घरों में ही थे, वो तो कोई सड़क छाप थे नहीं, फिर भी तो उन्हें पॉजिटिव निकला ही ना। मैं आप लोगों से बस यही विनती करूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पार्टीज़ ना मनाएं, अभी सोशलाइजिंग का समय नहीं है, अभी अपने घरों में रहने का समय है। यह जंग सिर्फ ऐसे ही जीती जा सकती है। अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार के नियमों का पालन करें। अगर आपको इस बात का टेंशन है कि हमें तो बहुत घाटा हो रहा है, तो इस बात पर गौर करें कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को तो पूरी इकोनॉमी का टेंशन है। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।